और वही बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी अपनी बातें रखी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये देखते हैं इन पूरे मामले पर। चूंकि एक साथ संजय जायसवाल और प्रेम कुमार एक ही मंच पर आकर के जो मिस्ड कॉल का एक टोल फ्री नंबर जारी करके उन्होंने कहा है कि आम जनता अपनी राय दे सकती है, और साथ ही साथ सीट बंटवारे पर भी उन्होंने कुछ कहा है। और संजय जायसवाल ने भी कहा कि सीट बंटवारे के साथ बीजेपी बहुत जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, इसे लेकर एनडीए सभी सहयोग दल बैठेंगे और घोषणा पत्र पर और इसका घोषणा पत्र जल्दी हम जारी करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 5 वर्षों में बिहार के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र में जन भागीदारी चाहती है और इसलिए प्रदेश के आमजनों से पार्टी सुझाव आमंत्रित करती है। इसके लिए जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 6357171717 है। इस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद टेलीफोन आएगा, इस पर घोषणा पत्र के लिए सभी नागरिकों से बिहार के विकास के लिए सुझाव मांगा जाएगा। इस टोल फ्री नंबर को डायल करने पर आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आएगा, इसके साथ आप सुझाव के लिए एक फॉर्म भी रहेगा, उसे भरकर आप भेज सकते हैं। सुझावों को घोषणा पत्र बनाने के दौरान पार्टी द्वारा लिखा जाएगा एवं सुझावों को घोषणा पत्र में समाहित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र पूरे प्रदेश से विभिन्न वर्गों से विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव आमंत्रित करेगी। उसमें सबसे बड़ी ताकत जो बिहार किसान हैं और किसान के अलावा पशुपालक हैं, गौ पालक हैं और हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, एसोसिएशन है, अपने डॉक्टर हैं, वकील हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट पंचायती राज के प्रतिनिधि हमारे होंगे और महिला समूह जिनका आंगनबाड़ी है और शिक्षाविद जो राज्य के अंदर बड़ी संख्या में है, हम सब आमंत्रित करेंगे। और स्टोर टोल फ्री नंबर को डायल करने पर मैसेज आएगा और रथ जो घुमा रहे हैं पूरे बिहार के सभी मतलब क्षेत्रों में और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक रथ जो मतलब चल रहा है और रथ पर एक बॉक्स रखा गया करते हैं और वहां भी आप सुझाव डाल सकते हैं। और हम आप सबों के माध्यम से हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आगामी चुनाव घोषणा पत्र जो घोषित हम करेंगे उसमें आप सबों को सुझाव दे रहे हैं। हम चाहेंगे आपका सुझाव आए और आपके भावनाओं के मुताबिक, आपके सुझावों के मुताबिक आपका जो संकल्प है, सुझाव है, विचार है, उसको हमारी पार्टी साकार करना चाहती है। धन्यवाद।